पंक्ति है, मम हृदय कंज निवास। आपके हृदय में रामलला उतरे, कैसे उतरे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबको धन्यवाद। जय श्री राम। पहला हमको इस काम के लिए चुना गया था, वो बहुत बड़े जिम्मा दे रहा था हमारा पूरा देश के लिए। लल्ला को दर्शन करवाना बहुत बड़ी काम दिया गया था, इसके लिए हम बहुत बोल सकते हैं 7 महीने से इसके बारे में चिंता रहा। पूरा दिन रात हम इसी के बारे में सोचते थे, देश को दर्शन कैसे करवाएंगे। और हमारे इसके साथ भी हम पूरा कोशिश किया है और जानकारी ले लिया हमने 5 साल के बच्चों का फीचर्स में क्या क्या दे सकते हैं, और शिल्प शास्त्र के अनुगुण भी होना है और 5 साल का बच्चा भी होना है। 5 साल के बच्चों के अंदर राम भी ढूंढना है हमको। ये बच्चा नॉर्मल बच्चे रियलिस्टिक काम से ऐसा नहीं है, हमको इसके अंदर राम को ढूंढना था। सो ये सोते सोते हम शुरू किया पूरा ये हमारा ये राम के साथ हमारा जर्नी बोल सकते हैं हम। सो हम 7 महीने से यही सोचा देश को दर्शन के साथ, कोई माता पिता गांव से आने वालों को दर्शन दे देंगे, दर्शन से खुशी मिलेंगे। सो जस्ट आई वांट देम टू भगवान आशीर्वाद। मैं प्रसन्नता से एक देखने से आपको अभी हमको 2 दिन से महसूस कर रहा हूँ पूरा दुनिया खुश है और कोई देखने वाला कि मुंह में आ रहा है वो बहुत आनंदित है। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रादर देन मेरा मूर्ति सिलेक्ट हुआ, मेरा लल्ला मेरा नहीं है, उनका देश का ही है। और मैंने बताया उस वक्त ये चोट मैंने बहुत छोटा काम किया है, मगर देश के जनता का मन में इतना प्यार है लल्ला के ऊपर, इसलिए वो इतना बड़ा हो रहा है बस। आप कहते हैं कि आपने राम को ढूंढने की कोशिश की कि 5 साल का बालक कैसा हो, लेकिन सारी दुनिया कह रही कि राम ने आपको ढूंढा कि उनको आप ही गढ़ें, आप ही बढ़ें। ये सच बात है, क्योंकि हमारा फैमिली 300 साल से काम करके आ रहे हैं। मेरा अभी 5th जनरेशन का आर्टिस्ट हूं मैं, सबका आशीर्वाद। अभी राम ने हमारा फैमिली को ऐसे ही काम देख के हमको पालन करके आया है, क्योंकि उनका ये काम मैं करूं। 300 साल से हमारा फैमिली को पूरा क्या क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए वो देते हैं हमको, ये काम देते देखे और काम देते रहे और ये काम मिल गया। हमारा पूर्वज उनका आशीर्वाद है, मेरा फादर मेरा गुरु है उनका आशीर्वाद है। अरुण जी, लोग कहते हैं कि आप कलाकार नहीं, आपको राघवेंद्र सरकार ने तांत्रिक के रूप में भेजा है, आपने ऐसा तंत्र मंत्र जादू टोना किया है कि करोड़ों लोग उस टोने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे ही राघवेंद्र सरकार को रामलला को देखते हैं, उस दर्शन से उनको लगता है कि बस वो मंत्र मुग्ध हो गए हैं और उनको किसी ने टोने में बांध दिया है। ये भी हम महसूस कर रहे 2 दिन से। पहला सिलेक्शन का विषय मेरे को December 29th मिला था जानकारी, फिर भी मैं ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बाद भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें था ठीक से अंदर लेके जाना और प्रतिष्ठापन का कार्यक्रम होना है। इससे बड़ी चीज है मेरे को देश के लिए ये पसंद आना, आई वांट देश को ये पसंद आता है या नहीं आता है वो मेरे को बहुत टेंशन था, मगर 2 दिन के बाद ये पूरा देश इतना प्यार दे रहा है, इतना हम बोल नहीं सकते। और अभी मेरा 7 महीने का ये यादगारी दिन मैंने इसके साथ इस काम पे किया, अभी सब इसका फल आई गॉट। ये 7 महीने आपने गुजारे? हाँ, 7 महीने ये ढूंढने में। माता कौशल्या ने 9 महीने में रामचंद्र जी को जन्म दिया ऐसा कहते हैं, और आपने 7 महीने में रामचंद्र जी को जन्म दिया। आप दूसरी कौशल्या हैं क्या, ऐसा लगता है? वो वात्सल्य भाव आता है आपके? बहुत बहुत बहुत, मैंने बहुत बहुत इमोशनली काम किया है और
मेरा भी एक बेटा है, बेटी है, और मैं एक इसके बारे में काम करता था। मैं किसी के साथ बात नहीं करता था, सिर्फ मेरा बेटी के साथ बात करता था, बेटी के साथ। क्योंकि मैं काम करके दिखाता था मूर्ति का फोटो मेरा बेटी को, पूछता था ये कैसा दिख रहा है, ये बालक या नॉर्मल, ओ बालक या तरुण है। मेरे बेटी बोल रहे थे बालक जैसा ही है। वो तो सो हमने तस्वीर देखी, वो तो बहुत छोटी है। वो नहीं, मेरे बेटी 7 साल की है, अच्छा, बेटा 1.5 ईयर है। 7 इयर्स की वो ये आपकी मतलब गाइड रही, गाइड नहीं, मैं मेरे को फर्स्ट क्रिटिक। हाँ, यस, आई वॉन्ट चिल्ड्रंस टू फील दैट वेदर इट इज लुकिंग लाइक ए चाइल्ड और समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं किसी से साथ नहीं पूछता था, क्योंकि बच्चे लोग झूठ नहीं बोलते।